हरे कृष्णा, लॉजिकल गीता की 17th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का प्रश्न है, क्या गीता में लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाएं? बिल्कुल, अनेक अनेक श्लोकों में इस बारे में चर्चा है। कहीं भगवान ने कहा है कि मुझे वो जीव पसंद हैं जो दूसरे जीवों के प्रति दयालु हैं। अब अगर हम हर जीव के प्रति दयालु हैं तो फिर हम किसी जीव को मार के कैसे खा सकते हैं? फिर दयालुता कैसे हुई? या तो आप किसी ऐसे टापू पे फंस गए हों जहां अन्न है ही नहीं खाने के लिए, कुछ और है ही नहीं, मजबूरी में आप खा रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए अनुपम भंडार है, आमतौर पर नॉनवेज ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा खाते हैं जो बहुत अमीर हैं, या समझ लीजिए कि मैं बेसिकली एड्रेस ही उनको कर रहा हूँ। अगर किसी आदमी के पास धन ही नहीं है और वो मछली निकाल के खा रहा है तो उसके ऊपर मैं अभी टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है वो उसकी एक मजबूरी हो। लेकिन जो लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उनके पास खूब पैसा है, मतलब इतना पैसा तो है कि वो अन्न दाल चावल सब कुछ खरीद के खा सकते हैं और उसकी हजारों वेराइटीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिनसे वो तरह तरह के खाने बन सकते हैं, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो बर्गर्स हो, पिज्ज़ास हो, हर चीज़ बन सकती है बिना नॉनवेज के भी। लेकिन फिर भी नॉनवेज खा रहे हैं, तो फिर वो जीवों के प्रति दयालु कहाँ से हुए? कुछ लोग अपने मन में सोचते हैं जी हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। वो किसी में क्या वो जीव नहीं आते जिनका आप मर्डर करवा देते हो इनडायरेक्टली? खुद करना या वो किसी और ने आपके लिए मार के दे दिया जीव, उसको आप खा रहे हो, तो कहाँ से आप जीवों के प्रति दयालु हो गए? तो गीता में लिखा है इस तरह से। एक जो मुख्य श्लोक है, मैं उसको आज चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान ने 14th चैप्टर के 4th श्लोक में लिखा है, सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनि अहम बीज प्रदय पिता। श्री भगवान कह रहे हैं, कुंती पुत्र तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, समस्त प्रकार की, सर्व योनिषु, मनुष्येषु नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में भगवान का शब्द है ये। अब देखिए ध्यान से कि यहां पर जो शब्द यूज किया गया है, सर्व योनिषु यूज किया गया है, सर्व योनिषु जितनी भी हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। अहम बीज प्रदय पिता, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता। तो भगवान कह रहे हैं बीज देने वाला पिता मैं ही हूं, यानी सबके पिता एक ही हैं, परम भगवान। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं गॉड इज वन, तो क्या गॉड सिर्फ मनुष्य के गॉड है? जो ये जीव जंतु हैं, क्या गॉड उनके लिए नहीं है? तो यहां पर ये मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट भी डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर सबके ही भगवान हैं तो उनको मार के हम क्यों खा जाते हैं? क्या इसलिए कि वो सिर्फ कमजोर हैं? मैंने इसमें उदाहरण लिया है शेर और बकरी का, दोनों जानवर हैं लेकिन हम शेर को मार के बहुत कम खाते हैं, या मैंने मतलब कहीं पढ़ा या सुना नहीं, बकरी को मार के खा जाते हैं क्योंकि कमजोर है, उसको पकड़ के मारा जा सकता है, इजीली पकाया जा सकता है, तो उस पर हम अपनी ताकत दिखाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर ये लॉजिक भी लें कि वो कम बुद्धि के होते हैं जानवर, तो अगर हमारे दो भाई हों जो कम बुद्धि के हों, मान लेते हैं मेंटली रिटार्डेड हो, तो उनकी सेवा करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे या उनको मार के खा जाएंगे? मुश्किल है ना। मैंने एक दिन एक व्यक्ति से सुना कि चाइना में वो लोग गए हुए थे, तो किसी डिनर टेबल पे बैठे थे, तो वहाँ कोई रिवॉल्विंग टेबल थी जिसमें जिंदा एनिमल्स जो भी छोटे मोटे रहे होंगे उनको रख देते हैं, वो जिंदा कोई मार के खा रहे हैं। चाइना तो चाइना, वहां पे जाके टेबल पे जो बैठे हैं वो इंडियंस भी उस चीज को खा रहे हैं। इज दिस प्रोग्रेस? हम क्या खुद जानवर बनते जा रहे हैं? वैसे तो भागवतम में लिखा है कि मनुष्य आने वाले समय में जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस करेगा, मनुष्य मनुष्य को मार के खाएगा। तो हो सकता है ये बेचारे जानवरों का जीवन बचना शुरू हो जाए कुछ समय बाद, क्योंकि जब मनुष्य मनुष्य को मार के खाएगा तो इजीली उसको चारों तरफ मिल ही जाएंगे जानवर, तो हो सकता है ना भी, उनको तो पालना पड़ता है, मनुष्य तो ऑटोमेटिक ही होंगे। अभी शायद वो प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रही होगी या होने लगेगी, बट ये क्या ये सही है? कुछ लोग नॉनवेज खाते वक्त ये लॉजिक लेते हैं कि इससे हमें ताकत मिलती है। मेरे पास तो ये लॉजिक है कि मरा हुआ आपको क्या ताकत देगा? कितने बड़े बड़े पहलवान हैं इंडिया में
आप उनसे अपनी ताकत को कंपेयर करके देखिए, उन्होंने तो कभी जीवन में नॉनवेज नहीं खाया, सिर्फ दूध, दही, घी, मक्खन, फ्रेश वेजिटेबल, इन्हीं का प्रयोग किया, और उनकी ताकत आपसे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होगी। तो इससे कुछ प्रूव नहीं हो जाता कि सिर्फ नॉनवेज खाने से ही ताकत मिलती है। देखिए, भगवान ने सभी जीवों को बनाया है। अगर आप भगवान के बनाए जीवों के प्रति दयालुता नहीं रखेंगे, और कल को भगवान ने आपके प्रति कुछ किया, तो आपके मुंह से तुरंत एक ही बात निकलेगी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये ऐसे कैसे हो गया? क्यों नहीं किया बुरा सर? ये क्या, इससे बुरा और क्या करोगे कि आप भगवान के बनाए हुए जीवों को मार के खा गए? ये बुरा है, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से ये बुरा है। लॉ ऑफ द कंट्री के हिसाब से अगर आप किसी का मर्डर करते हो, तो आपका मर्डर होता है, आपको फांसी लगती है। तो क्या भगवान का बनाया हुआ ये दुनिया, जिसके ऊपर भगवान का नियम एप्लीकेबल है, वो आपको छोड़ेगा? डेफिनेटली वो ठीक है कि अभी हो सकता है फिलहाल कुछ ना हो, तो हम कहें देखो कुछ नहीं हुआ हमें, हम तो 10 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं, अमेरिका में लोग बचपन से एंड तक खाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। होता है, इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। ये चीजें हैं, इनको प्लीज समझिए। हरे कृष्णा।